यहाँ पर इस खेत में जो आप ये क्यारी बनी हुई देख रहे हैं और इन क्यारी पर जो आप ये टहनी लगी हुई देख रहे हैं, ये टहनी है जंगली गुलाब के पौधे की। और ये जो जंगली गुलाब के पौधे की टहनियाँ हैं, इन्हीं पर वर्ड ग्राफ्टिंग की जाएगी, यानी कि गुलाब के जो इंग्लिश वाले गुलाब के पौधे हैं उनको तैयार किया जाएगा। इसके बारे में तो आपने पहले भी वीडियो देखी होगी किस तरीके से वर्ड ग्राफ्टिंग करना चाहिए, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं गुलाब के एक ही पौधे पर कई रंगों के फूल कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड ग्राफ्टिंग एक गुलाब के पौधे पर की जाएगी वो धर्मवीर सिंह जी के द्वारा की जाएगी। एक ही गुलाब पर कई तरह के गुलाब के पौधे पर, यानी कि अलग अलग गुलाब के पौधे की वर्ड ग्राफ्ट करके। बताइए आप, ये जो टहनियाँ हैं वो किस तरीके के गुलाब के पौधे की हैं? भैया देखो, ये टहनी है देसी गुलाब की। अब इस पर हम ग्राफ्ट जो करेंगे वो जो है दूसरी टहनी काट के लाएंगे इंग्लिश गुलाब की। जी, इंग्लिश गुलाब की जो टहनी लाएंगे उस पर से जो भी कलर उतारेंगे हम, वो टहनी इसी पे लगानी है। मतलब उसकी जो बड लगानी है आपको है? हाँ, वो इसी पे लगानी है बड। चाहे वो दो कलर की लगाओगे दो कलर की तैयार हो जाएगी, तीन कलर की लगाओगे तीन की, और एक की लगाओगे तो एक की। अच्छा, अगर इसी पे अगर चाहे हम दो बारी लगानी है जैसे सफेद या लाल जी, तो वे दोनों भी बन सकती है। अच्छा, कई तरह के गुलाब के पौधों की बर्ड ग्राफ्टिंग एक जंगली गुलाब के टहनी पर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपने ये जंगली गुलाब की टहनियाँ लगाई हैं, ये लगाए हुए कितने दिन का समय हो चुका है और कब? 15 दिन का समय हो चुका है। बर्ड ग्राफ्टिंग कितने दिनों के बाद की जाती है? करी जाएगी फरवरी के महीने। अच्छा, फरवरी के लास्ट में की जाती है। इससे पहले आपने दिखाया था पिछले वाले खेत में जिसमें आपने बर्ड ग्राफ्टिंग की थी, तो वो समय काफी हो चुका है और वो पौधे भी तैयार आपके हो चुके हैं। तो चलिए अब आप हमें बर्ड ग्राफ्टिंग करके इन टहनियों पर दिखा दीजिए किस तरीके से आप बर्ड ग्राफ्टिंग करते हैं। इसके अलावा ये बताइए कि बर्ड ग्राफ्टिंग करने का जो सही समय होता है वो कब तक है और कब तक का रहता है? अक्टूबर के फरवरी के लास्ट तक। अच्छा, अक्टूबर से लेकर के फरवरी के लास्ट तक बर्ड ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अब हम ऐसे पौधे को लेकर के आते हैं जो इंग्लिश गुलाब के पौधे हैं और कई रंगों के अलग अलग फूल उन पर खिलते हैं। तो अलग अलग कलर के फूलों की बर्ड लेकर के आते हैं और धर्मवीर सिंह जी का कहना ये है कि अगर आप ये जो जंगली गुलाब की टहनियाँ हैं एक बार लगा लेते हैं तो लगाने के लगभग 15 से 20 दिन के बाद इनकी ऊपर की पत्तियों की ग्रोथ स्टार्ट होती है, लेकिन 2 महीने के बाद इनकी जड़ों की ग्रोथ भी अच्छी तरीके से स्टार्ट हो जाती है। तो 2 महीने के बाद ही बर्ड ग्राफ्टिंग करना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे हाथ में ये जो आप अलग अलग कलर के फूल देख रहे हैं, इन्हीं फूलों के अलग इनकी ग्राफ्ट निकाल करके एक ही जंगली गुलाब के पौधे की टहनी पर ग्राफ्ट की जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आने वाले समय में एक ही पौधे पर ग्राफ्टिंग स्टार्ट होने के बाद, यानी कि नई ग्रोथ स्टार्ट होने के बाद, एक ही पौधे पर 4 रंगों के फूल खिलेंगे। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं आपको बट किस तरीके से निकालनी है इन पौधों के अंदर से। तो चलिए धर्मवीर सिंह जी, आप हमें बट निकाल करके दिखा दीजिए। बट कहाँ पर होती है? ये फूल है, इसकी बट निकालेंगे। देखो ये है बट। अच्छा, इस यहाँ पर जो आप ये और रेड कलर का गुलाब देख रहे हैं, इसके पत्ते के नीचे वाले जो यहाँ पर ये नई ग्रोथ यहाँ पर देख रहे हैं हल्की हल्की, तो इसको बड कहते हैं। यहाँ पर शायद आपको हल्का दिख रहा होगा, तो इसको निकाला जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर सही बड है। तो यहाँ पर आपने देखा ऊपर वाले पत्ते में कम है, नीचे वाले में ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले जो बड है उसको निकाल लेंगे। किस तरीके से निकालना है चलिए देखते हैं। बट को बहुत ही सावधानी से निकालना चाहिए और तेज़, जो भी आप चाकू ले रहे हैं वो थोड़ा तेज़ होना चाहिए जिससे कि शार्प कट लग करके इस तरीके से आपकी जो बट है वो निकल आए। तो यहाँ पर सिर्फ ये जो आप देख रहे हैं इसको आपको टच भी नहीं करना है, सिर्फ स्किन वाला एरिया ही आपको, उससे वाली ब्रांच जो भी ब्रांच से आप निकाल रहे हैं उसको स्किन वाला ही आपको एरिया लेना है। ज़्यादा इसमें सफ़ेदी वगैरह नहीं होना चाहिए, सिर्फ इस तरीके की ये छाल ही होना चाहिए। छाल के साथ यहाँ पर ये बड जो आप देख रहे हैं इस तरीके की बड जुड़ी होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, जो भी आपका गार्डनिंग टूल है चाकू कटर वगैरह, यानी कि जो भी टूल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं बर्ड ग्राफ्टिंग के लिए, वो अच्छे तरीके से साफ़ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए किसी भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड से या डेटोल से या सबलन से। अगर वो गंदा होगा तो आपका जो बर्ड है वो फेल हो सकती है, यानी कि बर्ड ग्राफ्टिंग फेल हो सकती है। इस बात का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए, ये कहना है इनका धर्मवीर सिंह जी का। तो इस तरीके से सारे जो अलग अलग कलर के फूलों की यहाँ पर जो ये फूल रखे हुए हैं इनसे हम सारी वर्ड्स निकाल लेंगे और उसके बाद में दूसरी किसी भी ब्रांच पर यहाँ पर जितनी भी टहनियाँ लगी हुई हैं जंगली गुलाब की किसी पर भी शिफ्ट कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ग्राफ्ट को निकाल लेते हैं। पर अब ये सफ़ेद कलर के फूल के
टहनी से बड़ निकाल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर इन्होंने सफ़ेद कलर की ये पौधे मतलब टहनी से बड़ निकाल ली है, और बड़ निकालने के बाद ये सिर्फ स्किन वाला ही हिस्सा निकाल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्किन वाला ही हिस्सा निकाल रहे हैं। इसके अंदर जो सफ़ेदी है वो इन्होंने हटा दी है और सिर्फ स्किन वाला ही हिस्सा यहाँ पर ये जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे बचा हुआ है। इस तरीके से दो टहनियों से इन्होंने बड़ निकाल लिया, अब ये तीसरे गुलाब के टहनी से बड़ निकाल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने पत्तियों को कट कर दिया है, और यहाँ पर ये कांटा जो दिख रहा है इसको भी हटा रहे हैं। कांटा और पत्तियों को हटाना जरूरी है, कांटा हाथ में ना लग पाए और पत्तियाँ अगर जुड़ी होंगी तो अच्छी तरीके से आप बड़ नहीं निकाल पाएंगे। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर इन्होंने वड निकाल ली है, वड निकालने के बाद जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सफ़ेद वाला जो भाग है इसको भी निकालेंगे। ये निकालते किस तरीके से इस बात का खास तौर से आप ध्यान रखें, देखिए इस तरीके से इन्होंने दबाया और दबाने के बाद ये सफ़ेद भाग जो है इन्होंने निकाल दिया है। अब सिर्फ जो बचा है ये सिर्फ छाल बची है यानी कि स्किन बची है, और इसी स्किन के साथ जुड़ा है ये वड का एरिया, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने चारों कलर के फूलों के टहनियों से बड़ निकाल ली है। अब चलिए दिखा दें आपको किस तरीके से ये ग्राफ्टिंग करेंगे एक ही टहनी पर, जो कि जंगली गुलाब के पौधे की टहनी होगी। यहाँ पर जो है इस पौधे इस टहनी पर ग्राफ्टिंग करने जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसकी जो ये ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी हो चुकी है, और इसकी जो रूट्स हैं वो भी काफ़ी बन चुकी होंगी। तो सबसे पहले नीचे वाली जो पत्तियाँ हैं इनको हटाएंगे और इसको भी हटाएंगे, उसके बाद में ग्राफ्ट करेंगे। जी भैया मिट्टी उठा रहे हैं पहले। अच्छा, सबसे पहले थोड़ा बहुत आप मिट्टी हटा देंगे। मिट्टी हटाएंगे पूरी पूरी, कहाँ तक? मतलब जमीन तक, जिससे का इसकी तो हमने ये बना दी है नक इसकी चढ़ी हुई है। अच्छा, तो ज्यादा मिट्टी एक्स्ट्रा चढ़ोगे उसको आप हटा देंगे। चढ़ी हुई है इस पे, इसके लिए इस पे मुलाम पड़ जाएगी। अच्छा हाँ, तो और उसके बाद? उसके बाद में हमने ये मिट्टी हटा दी जी। अब उसके बाद में देखो ये तोड़ेंगे हम। अच्छा, जो नई ग्रोथ है जो नई टहनियाँ हैं ये जंगली गुलाब की तोड़ देंगे आप? तोड़ेंगे। अच्छा, ये तोड़ देंगे, रह गई। अच्छा, कांटे भी तोड़ देंगे जिससे कि ग्राफ्टिंग करते समय कांटे हाथ में न लग पाए। वैसे भी जंगली गुलाब पर कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं, जंगली गुलाब पर कांटे तो होते हैं लेकिन फूल नहीं आते, इसलिए सबसे बेस्ट होता है जंगली गुलाब का जो टहनी वगैरह है ग्राफ्टिंग के लिए। और फिर ये सब पहुँचेंगे ऐसा करके। अच्छा, इस तरीके से साफ कर लेंगे। साफ करेंगे इस तरीके से। अच्छा अच्छा, अब जो बिल्कुल साफ हो गई, इसके अंदर मिट्टी नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। अच्छा, मिट्टी नहीं आनी, मिट्टी आ गई तो ये हमारा फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा। अच्छा ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने इसको साफ कर दिया, मिट्टी विट्टी हटा दिए। हाँ। उसके बाद में अब यहाँ पर अब दूसरा काम है, अब इस पर ग्राफ्टिंग होगी। अच्छा, ग्राफ्टिंग होगी, तो ग्राफ्टिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप? बस अब खाली ग्राफ्टिंग ग्राफ्ट करना है, मतलब इसकी चीरा लगाएंगे। अच्छा, देखो हम तुम्हें चीरा लगा कर दिखा रहे हैं। अच्छा अच्छा, इसका जो स्किन है जंगली गुलाब के पौधे की, इसकी स्किन को इस तरीके से इन्होंने हटा दिया है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। वह इन्होंने जो नीचे वाला एरिया जहाँ से मिट्टी हटाई है वहाँ से ये एरिया लिया हुआ है, जिससे कि नीचे वाले एरिया में अच्छी तरीके से ग्राफ्टिंग कामयाब हो। ऊपर के एरिया में इन्होंने ग्राफ्टिंग को मना किया हुआ था, जिससे कि ऊपर के एरिया में ग्राफ्ट करते हैं तो वो फेल हो जाती है। कभी कभी ऊपर के एरिया से जो गुलाब का पौधा है वो सूखना शुरू हो जाता है, तो अगर एक बार यहाँ तक सूख भी जाएगा तो नीचे वाले एरिया बच जाता है, इससे ग्राफ्टिंग फेल नहीं होगी। यहाँ पर इन्होंने ये बड ले रखी है, और बड लेने के बाद इस तरीके से स्किन के अंदर इसको धंसा दिया है। तो यहाँ पर एक बड इन्होंने लगा दी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने एक बड ग्राफ्टिंग कर दी है। अब दूसरी यहाँ पर एक ऊपर के एरिया में करने जा रहे हैं। वैसे आप चाहें तो जो आपने बड ग्राफ्टिंग बड पहले ही अगर लगाई है उसकी साइड में भी लगा सकते हैं, लेकिन इनका कहना है कि ऊपर के एरिया में हम दूसरी बड को लगाएंगे। तो यहाँ पर ये दूसरी बड यहाँ पर स्किन को हटा करके लगा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको चाकू की मदद से स्किन को आराम से छील लेना होगा, और छीलने के बाद आप इस पर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने काफ़ी चौड़ा हिस्सा ले रखा, और ये एक ही जगह पर अब दो बड को शिफ्ट करने वाले हैं। तो एक ही जगह पर दो बड इस तरीके से यहाँ पर ये शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर एक नीचे और दो ऊपर कर दी है। अब लास्ट वाली यहाँ पर इनके पास ये रह गई है। अब यहाँ पर ये फिर से स्किन को छीलेंगे, जिस तरीके से आपने अभी देखा वैसे ही इनको ऊपर के एरिया में भी इसी तरीके से ग्राफ्ट करनी है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने ऊपर के एरिया पर स्किन को आराम से हटा लिया है, जैसे कि यहाँ पर आपको आप लोग देख सकते हैं। स्किन हटाना बहुत ही आसान होता है, ज़्यादा कोई कठिन काम नहीं होता है। तो यहाँ पर इन्होंने स्किन को हटा दिया है। स्किन को हटाने के बाद अच्छे तरीके से बट को सेंटर में लगा रहे हैं,
बट को सेंटर में लगाने के बाद अब यहाँ पर कोई भी पॉलिथीन या फिर कोई भी जो ग्राफ्टिंग टेप होता है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इनके पास ये पॉलिथीन का इस्तेमाल करते हैं, तो पॉलिथीन से इसको कवर कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये इस तरीके से बट के एरिया को छोड़ करके पॉलिथीन को कवर कर रहे हैं। जैसे इस तरीके से आपको कवर करना है, तो यहाँ पर सिर्फ बड वाला एरिया ही खुला हुआ है, बाकी इनको इन्होंने अच्छे तरीके से उसको कवर कर दिया है। अब नीचे वाली जो बड है उसको भी ये कवर करने जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से वर्ड ग्राफ्टिंग इन्होंने जंगली गुलाब के पौधे पर कर दी है। अब हम आपको दिखाते हैं वो पौधा जिस पर इन्होंने कुछ ही दिन पहले इसी तरीके से ग्राफ्टिंग की थी। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसी तरीके से सारे ये जो कटिंग है इन पर बर्ड ग्राफ्टिंग की जाएगी और आने वाले समय में मार्केट इनको किया जाएगा। अब चलिए हम आपको वो पौधे दिखाते हैं जिन पर पहले से ही बर्ड ग्राफ्टिंग की थी। अब यहाँ पर जो आप ये दूसरा खेत देख रहे हैं, ग्राफ्टिंग करने के बाद लगभग 3 महीने के बाद इस तरीके से रिजल्ट देखने को मिलेगा, यानी कि जो आपने ग्राफ्टिंग की है वो 3 महीने के बाद में इस तरीके से तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर जो ये काम चल रहा है, ये निराई गुड़ाई का काम चल रहा है, अनवांटेड पौधे घास वगैरह को निकाला जा रहा है। इसके अलावा ग्राफ्टिंग करने के बाद में यहाँ पर एक बात का ये खास तौर से ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ पौधों के नीचे, यहाँ पर दिखाना है ना, कुछ पौधों के नीचे जैसे कि यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं, इस तरीके की जो नई ग्रोथ होती है बहुत तेज़ी से चलती है और ये खास तौर से ग्राफ्टेड एरिया के नीचे से निकलती है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो भी ग्राफ्टेड एरिया के नीचे से नई ग्रोथ निकलती है उसको कट करना ज़रूरी होता है, नहीं तो आपकी जो ग्राफ्टिंग एरिया है जहाँ से आपने ग्राफ्ट की होगी वो फेल हो जाएगी और आपका जो ग्राफ्टेड पौधा है वो ख़राब हो सकता है। इस तरीके से जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी सारे जो जंगली गुलाब थे उनके पौधे की टहनी पर ग्राफ्टिंग की गई है, और ये एक ही गुलाब के पौधे पर कई रंगों के फूलों वाली ग्राफ्टिंग की गई है, कुछ पर सिंगल गुलाब के पौधे की ग्राफ्टिंग की गई है। तो इस तरीके से सारे गुलाब के पौधे यहाँ पर तैयार हो चुके हैं सेलिंग के लिए। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बताई गई गुलाब के एक ही पौधे पर कई रंगों के फूल पालने की बर्ड ग्राफ्टिंग की ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके की नई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।